आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिकर, सब्सक्राइब नाउ। शिवरात्रि के महापर्व पर शिव मंदिरों में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। बीकापुर में जहां एक तरफ सीता कुंड में स्थित शिवलिंग पर ग्रामीण अंचलों से आने वाले हजारों भक्तों ने जलाभिषेक करके भगवान भोलेनाथ से मनोकामना पूरी होने की मन्नत मांगी, तो वहीं बैती कला गांव में हजारों साल पुराने शिव मंदिर पर भी भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी तादाद में महिलाएं और पुरुष हाथों में पूजा की थाली लेकर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक करने पहुंची और भक्तिरस की भावनाओं में सरोबर दिखी। सब्सक्राइब नाउ। इतना ही नहीं, वो भक्तिरस की भावनाओं में सराबोर दिखाई दी। इस दौरान महामंडलेश्वर मंदिर के पुजारी ने बताया कि हजारों साल पहले राजा विक्रमादित्य द्वारा स्थापित किए गए इस प्राचीन शिव मंदिर में भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सब्सक्राइब नाउ। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से इस पौराणिक धरोहर को जोड़ने की अपील करते हुए मांग की है कि प्रशासनिक किस तरह से राम वन गमन मार्ग पर स्थित इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए सभी को आगे आना चाहिए। फिलहाल शिवरात्रि के अवसर पर बीकापुर में माहौल भक्तिमय हो गया। सुबह होते ही भक्तों की लंबी कतारों के साथ जयकारे गूंजने लगे। आइडियल इंडिया टीवी के लिए अयोध्या से मनोज यादव की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ की मान्यता ऐसे है कि गांव के जो काफी बुजुर्ग लोग हैं, उन्हीं के द्वारा हम लोगों को पता चला है कि ये जो शिव जी की ये जो प्रतिमा है, ये अपने आप प्रकट हुई है। और यहाँ पे दर्शन मात्र से ही सबके दुख दूर हो जाते हैं और काफी लोग दूर दूर से भी यहाँ पे आते हैं। और आप ही लोगों के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि इसका थोड़ा उद्धार हो और थोड़ा इसका जीर्णोद्धार मतलब फैले। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिकर, सब्सक्राइब नाउ।